बड़वानी में गुरुवार को सामाजिक संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन द्वारा जय संगठन के प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे के नेतृत्व में आज शहर के राजघाट रोड स्थित कृषि उपज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें आदिवासियों की कई मांगों के तहत बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जमीन, जंगल जैसे मुद्दों पर चर्चा की है, जिसे मुद्दों पर बात की गई। कार्यक्रम में जिले भर के जैस के पदाधिकारी व युवा शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि आयोजित होने वाली जैस महापंचायत को लेकर युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व अन्य माध्यमों से इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आह्वान किया है। कार्यक्रम में जय संगठन के हीरालाल अलावा सहित संदीप नरगावे व अन्य वरिष्ठ व स्थानीय पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी है। जयस महापंचायत में गुजरात की सुप्रसिद्ध टीवी सीरियल और फिल्म अभिनेत्री ममता सोनी, जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिलाध्यक्ष मोंटू सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में संदीप नरगावे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के हजारों आदिवासी युवा उनके नेतृत्व जैस पंचायत में शामिल हुए। इंदौर संभाग से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। आपका परिचय पूरा? मेरा नाम संदीप नरगावे है, जयस से प्रदेश प्रवक्ता। अच्छा, आज कृषि मंडी के अंदर जो है जयस की एक सभा हुई थी, तो क्या है पूरी सभा का उद्देश्य क्या था? देखिए, कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को लेके यह महापंचायत रखी गई थी। क्षेत्र में जो व्याप्त जो अशिक्षा है, क्षेत्र में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो बुरी स्तर पर चली गई है, यहाँ पे क्षेत्र में जो पलायन जो बड़े स्तर पर चल रहा है, इन सभी विषयों को लेकर यह महापंचायत रखी गई थी। अच्छा, इसके अंदर संख्या बल कुल का लगभग कितनी का लगा? देखिए, संख्या जो है वो यहाँ पे जो आए जो लोग थे, मैं तो स्टेज पे था, मुझे जहाँ तक नहीं आए थे वहाँ तक लोग भी नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ वरिष्ठ आए थे उनका कहना था कि 15 से 20 हजार पब्लिक यहाँ पर थी। अच्छा, इस जय सभा का करने का उद्देश्य क्या था, मतलब विशेष उद्देश्य क्या था? मतलब देखिए, आपने गुजरात से जो है सुपर सुप्रद स्टार जो है उसको बुलाया था, ममता सोनी जी को, दादा के नाम से जो प्रसिद्ध थे, या वो स्वयं आई थी कि आपने उनको निमंत्रण दिया था? देखिए, जो ममता सोनी जी जो है वहाँ की जो माता जी शारदा माता जी उनसे जुड़े हुए हैं, और इसी कारण से मैं भी वहाँ पर जाता रहता था गुजरात में, इसी कारण से सोशल मीडिया पे मुझे देखते रहते थे, मेरा जो सामाजिक कार्य जो है वो देखते रहते थे। इसी कारण से जब उन्हें पता चला कि जयस महापंचायत हो रही, तो उनके तरफ से कहा गया कि संदीप भाई, अगर आप बोले तो हम भी आए। तो मैंने बोला बिल्कुल दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है और आप आइए स्वागत कार्यक्रम में। अच्छा, अभी 2023 के जो विधानसभा चुनाव है वो उस अंतर्गत जो आज जो जयस की महासभा रखी गई थी, तो क्या विधानसभा चुनाव जो है लड़ने के लिए आपका बिगुल फूक है, इसकी जयस सभा के माध्यम से बिगुल फूक रहे हैं आप ये? हाँ, देखिए, संगठन का जो भी निर्णय होगा, संगठन अभी तक मुझ पर चिन्ह लगाता है कि हम विधानसभा के लिए संदीप नरगावे जी को आगे करेंगे, तो अगर संगठन का निर्णय रहा तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारे जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के अगर कहते हैं चुनाव लड़ने को लेकर, तो बिल्कुल हम चुनाव पे उतरेंगे।